सिख धर्म के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव को लेकर निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा का आज इंद्री में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर संगतों ने नगर कीर्तन में आए सभी वाहनों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। फूलों से सजे वाहन में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सभी ने नमन किया। इस अवसर पर नगर कीर्तन यात्रा के साथ चल रहे पंच प्यारों व अन्य सेवादारों को सिरोपा भेंट किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए धर्म प्रचार कमेटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के सदस्य तेजेंद्र पाल सिंह ढिलो ने बताया कि सिख धर्म के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित यह नगर कीर्तन यात्रा 20 मार्च को अमृतसर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों जहाँ पर गुरु साहिबान जी के पावन चरण पड़े थे वहां से होती हुई आज इंद्री शहर में पहुंची है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव को समर्पित है, जो कि एसजीपीसी अमृतसर की प्रधान बीवी जागीर कौर के दिशा निर्देशानुसार मनाया जा रहा है। यह नगर कीर्तन यात्रा 19 अप्रैल को आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि 1 मई को अमृतसर दरबार साहिब में गुरु जी के प्रकाशोत्सव पर एक महान कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी प्रदेशों की संगतें पहुंचेंगी। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा इंद्री के प्रधान इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव को लेकर निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा जो कि विभिन्न शहरों से होती हुई इंद्री पहुंची है, क्या उसका भव्य स्वागत संगतों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पवित्र शोभा यात्रा के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें गुरु साहिबान व सिख पंथ से संबंधित ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र व अन्य प्रकार की धार्मिक कलाकृतियों को दर्शाया गया है। सर तरन तन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश दिहाड़े के मुख रखते हुए ये महान नगर कीर्तन जो कि गुरु के महल श्री अमृतसर साहब तो चल के 20 मार्च 2021 जो आरंभ हुआ सी दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब जिते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश बलिदान दिता सीगा बलिदानी दी सी उस स्थान तो गुरुद्वारा शीशगंज साहब दिल्ली तो हुंदा होया अज रात त्रावड़ी गुरुद्वारा शीशगंज साहब आराम विश्राम किया जी। उस तो बाद चल के आप इंद्री शहर के सारी संगतों को दर्शन दे रहे हैं और सारी संगत इंद्री वाली इस महान नगर कीर्तन का बहुत ही सुजज्जे ढंग नाल स्वागत कर रही है। और ये नगर कीर्तन अगे बनी पदरपुर गढ़ी जापान खानपुर तो हुंदा होया अगे बनी बदरपुर साहब उत्थे लंगर का इंतजाम होएगा। उस उपरांत अगला प्रोग्राम आप सारी संगतों को दस दिता जाएगा। मैं गुरुद्वारा प्रधान साहब इंद्री तो गुरुद्वारा सिंह सभा इंद्री तो सारी संगतों को बेनती करदा कि आओ सारे इस महान नगर कीर्तन का स्वागत करिए ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करिए, क्योंकि ये साडे जिंदगी का एक ऐसा लक्ष्य है कि यह 400 साल जो महान नगर कीर्तन इत इंद्री पहुंचा है साड़ी जिंदगी से हट के अंत हो रहा। सब बेनती है कि सब आओ गुरु साहब जी का दर्शन करो ते गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तेजिंदर पाल सिंह ढिल्लों मैंबर धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर तो वास्ता रखा। ये जो महान नगर कीर्तन नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े को समर्पित गुरु के महल अमृतसर तो 20 मार्च तो शुरुआत हुई सी। ये पंजाब दे विच अलग अलग ज इतिहासिक स्थान जिथे जिथे गुरु साहब के चरण पे ने उन्हां स्थानों तो हुंदा होया हरियाणे च चीके तो पेवेरिए तो एंटर किया सी। इधरों सरसा जींद वगैरह हो के तमतान साहब हो के 2 दिन दिल्ली के इतिहासिक स्थानों पर दीदार करते हुए ये दोबारा हरियाणे दे विच कल सोनीपत रात विश्राम परसों रात सोनीपत विश्राम से रात इतिहासिक नगर कीर्तन तरौड़ी विश्राम किया। आज सवेरे तरौड़ी तो ये नगर कीर्तन इतिहासिक स्थान नीलोखेड़ी तो हुंदा होया आ इंद्री पहुँचा। इंद्री तो हुण गुरद्वारा बदरपुर साहब जिथे गुरु साहब के चरण पे से उस स्थान तो हुंदा होया लाड़ूए हुंदा होया कुरुक्षेत्र जाके रात का विश्राम है। कल नूं कुरुक्षेत्र तो ये नगर कीर्तन अगे गुरद्वारा चिगरहेड़ी बबैन हल्के दे विच अगे प्रस्थान करेगा। ये महान कीर्तन नगर कीर्तन 400 साल गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर दे नूं समर्पित
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उपरेला किया गया जिहड़ा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बीबी जगीर कौर जी प्रधान ने उन्होंने दिशा निर्देश अनुसार समुचिया तीन स्टेटा तो हुंदा होया आनंदपुर साहब की पवित्र धरती से 19 तरीक नूं इहदी समाप्ति होएगी। इहदा जिहड़ा वड्डा प्रोग्राम आ उह अमृतसर दे विच उलेख्या गया जिहड़ा कि 1 मई नूं गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े के दिन उत्थे सारे इलाके की संगत नूं समुचिया बाहर दीआं संगतां नूं बेनती है कि हुम हुम आ के 1 मई नूं अमृतसर के पवित्र स्थान पर गुरु के इस महान समागम पहुँचा जा पहुँचने की खेचल कर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।